हरि नाम करण राजा करवाया भूमि का पुजारे को प्रकार से बालक का जब 12वां दिन उस महलों में आगमन हुआ तो अपने धर्माचार्यों को मरकाम जी को परपे जी को उईको जी को ध्रुवे जी को अने सभी जितने भी उस समय के बैगा भूमका पंडा पढ़ियार थे सभी को बुलाया गया। और जब सभी पुरोहित वहां पर पहुंच गए सबने उस समय का शोध करके उस बालक का नामकरण कर दिया। अब जब नामकरण कर दिया मेरे सगा जनों तो महलों में और ज्यादा खुशियां छा गई और उन्हीं खुशियों के बीच में उसका नामकरण आने जिसको आज अपन कहते हैं अपने तो जन्मदिन है ना भैया, मनाते ना अपने यहाँ पर जन्मदिन कैसे मनाते हैं? बड़ा शानदार सब बनखेड़ी से केक मंगाएंगे, मोमबत्तियां मनाएंगे, पूरे घर परिवार नातेदार रिश्तेदार सभी को आमंत्रित करेंगे। और जब हम और हजारों रुपए के फुक्के लगाएंगे, इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे है ना, दीप जलाएंगे, कितनी खुशियां मनाएंगे। और जब उस बालक को सामने खड़ा करके मोमबत्तियां जलवाई जाएंगी, केक कटवाए जाएगा और थोड़े समय बाद में कहा बेटा इनको फूंक दो तो वो फूंक देगा, फूंक देगा और सभी कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। यही ना मैया, यही होता है ना। अब हैप्पी बर्थडे टू यू का एक आप भैया खड़े हो जाना, बताना मतलब क्या होता है। कोई भी खड़े हो जाओ बता दो हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या होता है। नहीं माई आप बता दो कोई। जीरो मतलब ही नहीं समझ पा रहे कि हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या होता है। भाई यदि आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आपकी भाषा हिंदी है, यदि आप गोंडवाना में रह रहे तो आपकी भाषा गोंडी है। जे हैप्पी बर्थडे कौन सी भाषा भैया आपकी भाषा है? नहीं है। जब तो आपकी भाषा नहीं है तो इसलिए तो आपको मालूम नहीं किसका मतलब क्या होता है। और हम जो दिवस मना रहे हैं उस बालक के जीवन की शुरुआती का, किसके इस बालक के जीवन में अच्छी खुशियां हो, इस बालक का जीवन चरित्र जो है प्रकाशमय होना चाहिए। मानो क्या कह रहे बाद में क्या बोल रहे, ए बेटा ये बत्ती दीपक फूंक दो, बुझा दिया जाता है दीप को, उन मोमबत्तियों को बुझा दिया जाता है। अनेश का संकेत यह होता है कि आप उसके जीवन में प्रकाश तो नहीं दे रहे, अंधकार का अंधकार में उसका जीवन ढकेलना चाह रहे हो, आप उसकी जिंदगी में अंधकार प्रदान कर रहे हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है सगा जन। मैं ये नहीं कहता हूं कि मत मनाइए जन्मदिन, मनाइए खुशियां मनाइए, दीप जलाइए, 5 ज्योत 12 ज्योत हमारी बामे कोई अपने में बताएगा कि 12 कलश जलाना चाहिए क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 ग्रह होते हैं, 12 महीनों की हमारी साल होती है और हमारी जो पारी है वो 12 सगा पारी तक हमारी व्यवस्था है। इस प्रकार से 12 कलश जलाना चाहिए, कलश नहीं है तो दीप जलाना चाहिए।
और दीप जला करके उस बालक के जीवन के लिए कामना करना चाहिए, उसका जीवन प्रकाशमय करना चाहिए ताकि उसको सत ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले। तो किस प्रकार से राजा के महलों में राज बधैया होती है, यानी बालक का जन्म करण होता है। चलिए हमारे भाई बाड़ीबाजी एक सुंदर गीत आपके बीच में उस बालक के नामकरण उत्सव में प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो बोलिए भरा पंता तारीख पर लिंगो गुरु ना बड़े ही खुशी का दिन था भाई जब हमारे गुरु महादी पारी कुमार लिंगो जी ने जन्म लिया था। और उनके जन्मोत्सव में खुशियां मनाई गई और हमारे दादाजी ने बताया सोना चांदी जो भी लगा वह बांटा गया और सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों ने मिलकर जन्मदिन मनाया। तो आज ही ऐसे हमारी गुरु लिंगो जी की गाथा आपको सुनाई जा रही है। तो बड़ी हर्ष का विषय है। तो आज उनकी जन्मोत्सव के गीत पर कौन कौन डांस करेगा एक बार हाथ उठाएं। कौन कौन खुशियां मनाना चाहता है? सभी लोग नाचेंगे भैया, कोई बैठा नहीं रहना चाहिए। सभी लोग, अगर जो बैठा रहेगा तो भैया पेनाल्टी पहले ही रख जाए कि बिजली पुरा की भुइया में देखो कि जन्मी है कुपार कि राजा राज रानी खुशियां मनावे के मिल के सब परिवार। कि कुपार लिंगो का जन्म हुआ है, कि कुपार लिंगो का जन्म हुआ है सेवा जुहारो अरे जरा ताली बजाओ बजाओ
बढ़िया